गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर फिफ्थ, जिसका क्या नेम है? कौन अधिक बलवान। क्या नेम है? कौन अधिक बलवान। आज हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को हमने कल अच्छे से पढ़ा था, तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से समझना भी है। क्या करना है? समझना भी है। आज हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बहस हुई सूरज में, हवा में, दोनों में। किसमें हुई थी बहस? सूरज और हवा में, दोनों में हुई थी। तो इसमें क्या आएगा? दोनों में। क्या आएगा? दोनों में। किसमें हुई थी बहस? सूरज और हवा में। अपनी ताकत दिखाने के लिए चुना गया आदमी को, जंगल को, समुंदर को। क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में? किसको चुना गया था अपनी ताकत दिखाने के लिए? हवा और सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए किसको चुना था? आदमी को। किसको चुना था? आदमी को। हवा के तेज चलने पर आदमी से लपेट लिया। हवा के तेज चलने पर आदमी ने लपेट लिया। क्या लपेट लिया था? कोट, मफलर, सोल। क्या लपेट लिया था? कोट। क्या लपेटा था? कोट। अंत में जीत हुई आदमी की, सूरज की, हवा की। किसकी जीत हुई? सूरज की। किसकी जीत हुई थी? सूरज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बार और सूरज बैठे बातें कर रहे थे। एक बार हवा और सूरज बैठे बातें कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हवा और सूरज। इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। क्या नहीं है? फायदा। क्या नहीं है? फायदा। आदमी की टोपी उड़ गई। क्या उड़ गई? टोपी। अब हवा गई थी। अब हवा थक गई थी। हवा ने सूरज को किया नमस्कार। हवा ने सूरज को क्या किया? नमस्कार किया। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस किस के बीच बहस छिड़ गई। तो किस किस के बीच बहस छिड़ी थी? एक दिन हवा और सूरज, हवा और सूरज के बीच बहस छिड़ गई। बहस छिड़ गई। किस किस के बीच? हवा और सूरज के बीच। अगला क्वेश्चन क्या है? हवा की नजर
नजर किस पर पड़ी? हवा की नजर किस पर पड़ी? हवा की नजर किस पर पड़ी? किस पर पड़ी हवा की नजर? हवा की नजर, हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। एक आदमी पर पड़ी। पढ़ा था ना हमने ये चैप्टर में, किस पे पड़ी थी हवा की नजर? एक आदमी पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरज हवा की कौन सी बात मान गया? सूरज हवा की कौन सी बात मान गया? सूरज हवा की कौन सी बात मान गया? तो कौन सी बात माना था सूरज हवा की? सूरज हवा की अपनी 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 ताकत ताकत दिखाने अपनी अपनी ताकत दिखाने वाली वाली बात मान गया। कौन सी बात मान गया था सूरज हवा की? अपनी अपनी ताकत दिखाने वाली बात मान गया था। हवा ने क्या कहा था? अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, वो बात सूरज क्या हो गया था? मान गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरज किस प्रकार जीत गया? सूरज किस प्रकार जीत गया? सूरज किस प्रकार जीत गया? सूरज अपनी तपन सूरज अपनी तपन से आदमी का कोट उतरवाकर जीत गया। किस प्रकार जीत गया? सूरज अपनी तपन से आदमी का कोट उतराकर जीत गया। हवा ने क्या कहा था? जो इस आदमी का कोट उतरा सकेगा वही क्या होगा? वही जीत जाएगा। तो कोट किसने उतराया था? सूरज ने उतराया था। तो सूरज अपनी तपन से आदमी का कोट उतराकर क्या हो गया? जीत गया। क्या हो गया? जीत गया। ओके, तो आज आपको क्या करना है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? अच्छे से अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। और इस चैप्टर को क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे और इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको अच्छी प्रकार लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बच्चों।